हिंद लोकतंत्र की बात समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर आप सभी का स्वागत है। देश के लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग हिस्सों में सहारनपुर मंडल की तो कम से कम हम आपको अपडेट दे ही रहे हैं। सहारनपुर मंडल में किस सीट पर क्या माहौल है वो तमाम हम ग्राउंड पर जाकर आपको दिखा रहे हैं और आज हम कैराना संसदीय सीट के वर्तमान हालात के बारे में चर्चा करेंगे। कैराना संसदीय सीट पर क्या सियासी हालात हैं और किस पार्टी को बढ़त है और कौन संघर्ष कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रदीप चौधरी गुर्जर समाज से आते हैं और गुर्जर समाज के मतदाता बड़ी संख्या में इस संसदीय सीट पर है। इसके अलावा सपा ने इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है। इकरा हसन की माता पिता और दादा इस संसदीय सीट से सांसद रहे हैं, वहीं उनके भाई कैराना विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने राजपूत समाज की जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर थी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लेकर थी, उसको साधने के लिए राजपूत समाज के श्रीपाल राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपने देखा होगा अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं कि किस तरह का माहौल ग्राउंड पर है, किस तरह की नाराजगी, किस तरह का समर्थन किस प्रत्याशी के पक्ष में है, वो तमाम आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट आपको मिलती रहे, क्योंकि अलग अलग संसदीय सीटों का जो माहौल होगा उस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। कैराना संसदीय सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें कैराना, शामली, थाना भवन, नकुड़ और गंगो। नकुड़ और गंगो जो है वो सहारनपुर जनपद की विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2009 से पहले जो परिसीमन हुआ था उसमें यह सीटें कैराना लोकसभा सीट में आ गई थी। इससे पहले ये दोनों विधानसभा सहारनपुर लोकसभा सीट में आती थी। परिसीमन के बाद पहली बार तबस्सुम हसन यहाँ से सांसद चुनी गई थी, लेकिन आज के हालात पर हम चर्चा करेंगे। 5 विधानसभा सीटों पर 4 विधानसभा सीटों में 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए के विधायक हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। सहारनपुर जनपद की गंगो और नकुड़ पर तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वहीं शामली जनपद की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें शामली और थाना भवन पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। केवल कैराना पर इकरा हसन के भाई नाहिद हसन विधायक हैं, लेकिन एनडीए के हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आपको बता दें कि जो लोक विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रीय लोकदल जो था वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा था, यानी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, जिसके चलते इन संसदीय इन विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल को बड़े अंतर से जीत मिली थी। अब थोड़ा हम इसमें विस्तार से पहले तो विधानसभा वार आंकड़े बता देते हैं आपको। जैसे हमने बताया कि किस सीट पर लगभग 25,000 वोटों से कैराना पर नाहिद हसन विधायक बने थे। भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह उनके सामने चुनाव लड़ रही थी। जब मृगांका सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे तो कोई विरोध नहीं था, मृगांका सिंह जी के प्रति सहानुभूति थी, क्योंकि क्षेत्र के बड़े नेता स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की बेटी है मृगांका सिंह, तो उनके प्रति सहानुभूति थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो कैराना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैराना विधानसभा सीट पर बड़े अंतर से पिछड़ सकती है। किसी का दावा 50,000 से है, किसी का 30,000 से है, तो किसी का 60,000 से है, किसी का 40,000 से है। कैराना विधानसभा सीट को लेकर जब हमने राजनीतिक जानकारों से चर्चा की तो उनका तर्क था कि जो स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की बेटी है मृगांका सिंह, उनके प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी बल्कि सहानुभूति थी, तब उन्हें 1,00,000 वोट मिले थे। इकरा हसन उस चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी संभाली हुई थी, क्योंकि इकरा हसन के भाई नाहिद हसन जेल में थे। उसके बावजूद नाहिद हसन लगभग 25,000 से 26,000 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, यानी लगभग 1,31,000 वोट। ये ही नहीं, इसके अलावा उन ब्लॉक में यानी गंगो विधानसभा सीट से जो कैराना विधानसभा सीट का हिस्सा लगता है चौसाना साइड, वहां पर राजपूत समाज के भी कुछ गांव हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी है। कुछ राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यह वोटर अपने समाज के श्रीपाल राणा की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन
कुछ यह भी बताते हैं कि किसी भी तरह राजपूत समाज प्रदीप चौधरी को चुनावी मैदान में मात देना चाहता है, जिसके चलते अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो इकरा हसन को भी समर्थन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक पंडित जो कैराना विधानसभा सीट पर लगभग 50,000 की बढ़त इकरा हसन को बता रहे हैं, उस बात को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कंडेला जगनपुरा जो इस क्षेत्र के हिंदू गुर्जर बाहुल्य है गांव है, वहां पर एक तरफा वोटिंग हुई थी, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। सांसद प्रदीप चौधरी को लेकर उनके बीच नाराजगी है, नाराजगी इस बात को लेकर है कि सांसद प्रदीप चौधरी उस क्षेत्र में गए नहीं। लोगों का कहना है कि वह सुख दुख में शामिल नहीं हुए, हालांकि दबी जुबान से कुछ वोटर यह भी बताते हैं कि उन्हें इस बात का मलाल है कि स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की राजनीति को किस तरह से खत्म कर दिया गया। इस बात का भी दुख है कि किस तरह से, जिस तरह से मनीष चौहान कैराना संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार थे, हालांकि बहुत कम संभावनाएं थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उस क्षेत्र में उनके गोत्र के गांव है, उनके मन में इस बात की नाराजगी है कि क्यों मनीष चौहान को दरकिनार किया गया। कि उनके मन में ये भी ठेस है कि मनीष चौहान जो है वो बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाकर विपक्षी गठबंधन को चुनौती दे सकते। तो इस तमाम नाराजगी के कारण इकरा हसन कैराना विधानसभा सीट पर मजबूत नजर आ रही है। 2019 में इसी सीट पर तबस्सुम हसन लगभग 20,000 से 22,000 वोट से पिछड़ी थी और प्रदीप चौधरी की 92,000 वोटों की जीत में इस विधानसभा सीट का भी बड़ा अहम रोल रहा था। मृगांका सिंह ने डोर टू डोर जाकर प्रचार किया, वीरेंद्र सिंह जी ने डोर टू डोर जाकर प्रचार किया था, जो नतीजों में भी दिखा था। कुल मिलाकर कैराना विधानसभा सीट पर राजनीतिक पंडित जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा हुआ बता रहे हैं। हालांकि चुनाव है, अभी समय है, कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कैराना विधानसभा सीट पर 2019 के प्रदर्शन को भी दोहरा सकती है, क्योंकि राजनीति है, कभी कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा शामली चलते हैं। शामली विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में तबस्सुम हसन को 40,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था, यानी प्रदीप चौधरी को लगभग 40,000 वोटों की बढ़त इस विधानसभा सीट से मिली थी। प्रदीप चौधरी के लिए संजीवनी है कि राष्ट्रीय लोकदल का उन्हें समर्थन है। राष्ट्रीय लोकदल का परंपरागत जाट मतदाता उनके पक्ष में लामबंद हो सकता है, लेकिन जब क्षेत्र में जाएंगे आप ग्राउंड पर देखेंगे तो कुछ ऐसे भी जाट मतदाता हैं जो चौधरी जयंत सिंह के इस फैसले के खिलाफ भी हैं और दूसरा सांसद प्रदीप चौधरी की कार्यशैली से नाराज भी हैं। इसके अलावा सांसद प्रदीप चौधरी के सजातीय वोटों में बड़ी जबरदस्त नाराजगी है। मनीष चौहान का क्षेत्र है रसूलपुर, बड़ी संख्या में नाराजगी। मीमला, बड़ी संख्या में नाराजगी, क्योंकि मनीष चौहान के समर्थक हैं, उन्हें इस बात का मलाल है कि उनके नेता को कैराना संसदीय सीट से टिकट क्यों नहीं दिया गया। दर्जनों गांव ऐसे है जहां पर मनीष चौहान का बड़ा असर है और वो मन मना चुके हैं कि वो इकरा हसन को वोट देंगे। तो शामली विधानसभा सीट पर राजनीतिक जानकार जो मान रहे हैं आज के समय में, हालांकि यह हमारा कोई दावा नहीं है लेकिन चर्चा है, राजनीतिक जानकारों की माने तो शामली विधानसभा सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला होगा, यानी इकरा हसन भी आगे रह सकती हैं और प्रदीप चौधरी भी, कड़ा मुकाबला होगा। कैराना में तो राजनीतिक पंडित किसी भी हालात में प्रदीप को बढ़त नहीं दे रहे हैं, उनका मानना है कि बड़े अंतर से इकरा हसन यहां पर बढ़त बनाएगी। थाना भवन विधानसभा चलते हैं। शामली जनपद की तीसरी विधानसभा और कैराना लोकसभा के अंतर्गत आने वाली शामली जनपद की आखिरी विधानसभा थाना भवन।
थाना भवन विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। थाना भवन विधानसभा सीट पर भी बड़े अंतर से तबस्सुम हसन को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार हालात दूसरे। किरण पाल कश्यप को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाकर कश्यप वोटों को साधने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास शामली, मुजफ्फरनगर और कैराना और सहारनपुर में कोई ऐसा कश्यप समाज का बड़ा नेता नहीं है जो किरण पाल सिंह कश्यप जैसे चेहरे को चुनौती दे सके। सैनी मतदाताओं में नाराजगी है, राजपूत समाज में नाराजगी है, राजनीतिक पंडित, राजनीतिक जानकार थाना भवन विधानसभा सीट पर इकरा हसन को बढ़त बता रही है। अगर राजपूत समाज थाना भवन विधानसभा सीट पर अपने समाज के उम्मीदवार श्रीपाल राणा के पक्ष में वोटिंग कर देता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का दावा है कि राजपूत समाज इकरा हसन को सीधे भी वोट कर सकता है। वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी को हराने का मन बना चुका है। इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कैराना संसदीय सीट की थाना भवन विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अभी समय है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी थाना भवन विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है। राजपूत समाज के मुहर विरोध के चलते भारतीय जनता पार्टी थाना भवन विधानसभा सीट पर बड़े अंतर से पिछड़ जाए तो कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी। तो इस शामली जनपद की तीनों विधानसभाओं के बारे में हमने बताया। बड़े अंतर से इकरा हसन इन तीनों सीटों पर बढ़त बना सकती है, ऐसी जानकारी राजनीतिक पंडितों से हमें मिल रही है। अब चलते हैं गंगो विधानसभा, सहारनपुर जनपद की विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी की किरत सिंह ऐसे विधायक है जो सहारनपुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले विधायक है। सहारनपुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी ने अगर सबसे बड़े अंतर से किसी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी तो वो गंगो विधानसभा सीट थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां भी राहें आसान नहीं है। हालांकि यह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी प्रदीप चौधरी जी जो है उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन राजपूत वोटरों की बेगरुखी और चौधरी इंद्रसेन और रुद्रसेन का इकरा हसन को समर्थन, खुले मंच से समर्थन प्रदीप चौधरी के लिए समस्याएं खड़ी कर रहा। तो गंगो विधानसभा सीट पर हालांकि कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतनी बढ़त बनाने की स्थिति में नहीं है जितनी वो गंगो विधानसभा सीट से बना सकती है। आज हम राजपूत बाहुल्य गांव में थे, मोरा, इसके अलावा हमने झवीरन, ये राजपूत बाहुल्य गांव में। सीधा विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार इकरा हसन को वोट करने की बात कर रहे हैं। उनकी माने तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहां पर एजेंट की तलाश करना भी बड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे पूर्व के चुनावों में विपक्षी गठबंधन के लिए यही स्थिति थी, तो गंगो विधानसभा सीट और चौधरी प्रदीप चौधरी के क्षेत्र की, जहां से वो आते हैं, तीन बार विधायक भी रहे हैं, वहां भी उनकी राह आसान नहीं है। इसके अलावा नकुड़ विधानसभा सीट उन विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट है जहां पर 2019 के विधानसभा चुनाव में तबस्सुम हसन ने जीत दर्ज की थी। यानी जब वह 92,000 वोटों से हारी थी तब भी तबस्सुम हसन ने इस विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। सरसावा ब्लॉक में राजपूत समाज के कुछ गांव हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अलग रहने का मन बना चुके हैं, जो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना चाहते हैं,
जिनके मन में यही है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में मात दी जाए। हालांकि इस सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। कैराना संसदीय सीट का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। अभी और भी समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परंपरागत वोटरों की नाराजगी, नकुड़ विधानसभा और गंगो विधानसभा सीट पर सैनिक समाज के मतदाताओं में अंदर खाने वो जबरदस्त आक्रोश है। बड़ी संख्या में कई स्थानों पर सपा उम्मीदवार इकरा हसन के प्रोग्राम भी हो रहे हैं सैनिक समाज में। इसके अलावा कश्यप समाज, इसके अलावा कई ऐसे कश्यप ऐसे समाज जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता था, उसमें विपक्षी गठबंधन की इस बार जबरदस्त सेंस। एंटी इनकम्बेंसी सांसद प्रदीप चौधरी के खिलाफ है। इकरा हसन का नया चेहरा, इकरा हसन राजनीति में बिल्कुल नहीं है। उनके उस शिक्षित होने का, युवा होने का, महिला होने का, उनको हर तरीके से, यानी सब कुछ कह लीजिए कि सब कुछ उनके फेवर में दिखाई दे रहा। वो समाज जिसने शायद ही कभी उनके परिवार को वोट दिया हो, वो भी आज के समय में उनके पक्ष में मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। कल राजपूत समाज की एक बड़ी महापंचायत नानोता में होने वाली है, जहां से यह ऐलान किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने वाले उम्मीदवार को वोट दिया जाए। ऐसी संभावनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि हमने कई लोगों से बात की, उन सभी का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा राजपूत समाज उसे वोट देगा। अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे को साकार कर पाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप भी शामली, कैराना, थाना भवन, नकुड, गंगो विधानसभा सीट के बारे में जितनी जानकारी रखते हैं, आप भी अपने जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि हमें हमारी जो राजनीतिक समझ है या हमारी जो जानकारी मिली है वो उसमें कोई खामियां है, वो कोई कमी है, तो आप उसके कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। साथियों, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। वीडियो पसंद आई है तो जरूर शेयर करें। जय हिंद दर्शकों, धन्यवाद।